हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जैसे आपको पता लग ही रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है आपको एक कोड गिवन होगा जिसे डिकोड करके आपने आंसर निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक इनकी पोजीशंस और इनको जो हम नंबर देंगे गिवन नंबर्स। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो इसके बाद आपने ध्यान देना है कि आपको एन यहां से नहीं स्टार्ट करना है, एन आपका स्टार्ट होगा एम के नीचे से। ओ सी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो अब हम जब इन्हें नंबर देंगे तो हम इन्हें नंबर इस तरह से देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। आपको कोडिंग और डिकोडिंग में मेन इसी चीज को ध्यान रखना है, इसे आपने याद भी कर लेना है। ओके, तो आपको ये अल्फाबेट्स तो याद करने ही है और आपको इनका ध्यान देना है कि इनके अपोजिट में कौन से लेटर्स है। ओके, तो अगर आपको इसको और इजी तरीके से लर्न करना है तो आता है ई जे ओ टी वाई, जो कि 5 का टेबल जिसमें चल रहा है, 5, 10, 15, 20 and 25। और अगर आपको लेटर्स के लिए याद रखना है नंबर, तो जैसे देखो G7 है, आपको पता होगा G7 समिट के बारे में। अब R18 है, मतलब राइट टू एज क्या होती है, 18 फॉर गर्ल्स शादी करने के लिए, एंड फॉर बॉयज ये होती है 21। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड, हमें जो है लेफ्ट एंड से रैंक करते हुए उनकी वैल्यू निकालनी है। ओके, अभी जैसे इफ कैट इज रिटन एज 24, अगर कैट की वैल्यू 24 आ रही है तो डॉग की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये 24 कहाँ से आया। जो इनकी वैल्यूज है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उनको एड करके आपके पास 24 आया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए बी सी, सी की है आपके पास 3, ए आता है आपके पास 1 पे, और वैसे ही अब आप टी को देखोगे तो टी आता है आपके पास 20 पे। और अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24। सेम इसी तरह से हमें डॉग का भी निकालना है, जो कि है डी ओ जी। अब आप फिर इसमें देखेंगे, बी आपके पास 4 पे है, ओ 15 पे है और जी आपके पास 7 पे। जी आपके पास 4th पे है, ओ 15th पे और जी 7th पे। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू बनती है 26। ओके, तो इस तरह से आपका फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट केस। सेकंड केस आपके पास होता है रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब लेफ्ट एंड का मतलब ये नहीं है कि आपने जी ओ डी करके इनको, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, जैसे ए टू जेड आपके पास क्या होता है, ए आता है आपके पास लेफ्ट साइड में और जेड आता है आपके पास राइट साइड में। लेफ्ट एंड में जब बात करेंगे तो करेंगे ए से जी तक की, और जब राइट एंड की बात करेंगे तो करेंगे जी से ए की। तो इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी। अगर राइट एंड होगा तो जेड आपके पास नंबर 1 पे होगा और ए आपके पास 26 नंबर पे होगा। तो वैसे ये सेकेंड नंबर पे, ये 25th पे। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये आपने ट्राई कर लेना है फ्रॉम राइट एंड। ये दोनों केस आपके अब हो गए जो कि बिल्कुल सेम है। अब आपके पास है केस 2, जो कि है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब देखो, अब ए और जेड जो है इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, बी वाई इक्विडिस्टेंट है, सी एक्स इक्विडिस्टेंट है। मतलब मान लो कि अपोजिट में जो है उसी के बेसिस पे जो है ये क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। जैसे इफ टेस्ट इज रिटन एज जी जेड एच जी बी, अब देखो टी कहां पे है आपका, टी यहां पर है और इसके अपोजिट में क्या है, जी।
ए के अपोजिट में जेड और एस के अपोजिट में है आपके पास एच, फिर से टी के अपोजिट में आपके पास जी और ई के अपोजिट में आपके पास बी। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इफ टेस्ट इज रिटन एज जी जेड एच जी बी देन होल रिटन एज। अब होल का हमने बताना है तो सबसे पहले W, W को हम देखेंगे इस तरफ के W कहाँ है, W यहां पर है और इसके अपोजिट में है आपके पास D, तो हम लिख देंगे D। उसके बाद हम देखेंगे H का, H के अपोजिट में आपके पास S है, O, O के अपोजिट में आपके पास L है, L, और L के अपोजिट में आपके पास O है तो यहां पर O आ जाएगा, फिर E के अपोजिट में आपके पास V है तो आपके पास आंसर डी एस एल ओ वी होगा। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट केस है वो है आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें। ओके, तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो है इफ क्वेस्ट इज रिटन एज एस डब्ल्यू जी यू वी। अगर क्वेस्ट को हम एस डब्ल्यू जी यू वी लिखते हैं तो हम क्वेश्चन को क्या लिखेंगे या हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लिखते हैं क्वेस्ट, तो अब आपको कैसे पता लगेगा ये एडिशन का है या सब्ट्रैक्शन का है। तो देखो क्यू के बाद ही आता है आपके पास एस, तो आपने देखना है कि कितने नंबर के बाद एस आया है। ओके, तो क्यू आर एस मतलब दो का एडिशन है, मतलब दो का गैप है, क्योंकि अब क्यू के बाद अगर आर आता तो प्लस वन होता। ओके, अब आर के बाद एस है प्लस वन, तो मतलब प्लस टू का गैप है इसमें। फिर वैसे ही यू वी डब्ल्यू, इसमें भी आपके पास टू का ऐड करके क्या आ रहा है एस डब्ल्यू, वैसे ही आगे भी टू को ऐड करके आपके पास जी आएगा, आगे टू को ऐड करके यू, आगे टू को ऐड करके वी। तो जब आपके पास यहां पर एक सीरीज चली है प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो वैसे ही आपके पास क्वेश्चन में भी वही सीरीज चलेगी। आगे जो आपको दूसरा पूछा हुआ है वर्ड उसके लिए भी आपके पास यही सीरीज चलेगी। ओके, तो क्वेश्चन को हम लिख लेंगे यहां पे। तो जब इसमें आप ऐड करोगे प्लस टू हर एक वर्ड में तो आ जाएगा आपके पास एस डब्ल्यू जी यू V K R P, आपके पास ये वर्ड आएगा। अब आपको एडिशन का तो पता लग गया होगा कि ऐड करेंगे तो अब आपको जैसे ये पता लग गया इसके बारे में, तो ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ यही सीरीज आएगी प्लस टू प्लस टू प्लस टू या प्लस वन प्लस वन प्लस वन। आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि एक वर्ड में आपके पास एक ऐड हुआ हो, दूसरे में आपके पास दो बार एडिशन हुई हो, तीसरे में आपके पास फिर एक बार एडिशन हुई हो, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। बट सीरीज कैसे बनेगी, देखो अगर यहाँ पे प्लस वन हुआ है, फिर प्लस टू हुआ है, फिर प्लस थ्री हुआ है, अगर उसके बाद फिर आपके पास प्लस वन ऐड होगा और आगे प्लस टू ऐड होगा, तो वो जो सीरीज चलेगी आपके पास चाहे वो कैसी भी हो, वही सीरीज आपके नेक्स्ट वर्ड में चलेगी, सेम टू सेम सीरीज। ओके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे आपने अब ऐड करके इस तरह से आ गया, वैसे ही आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और उसी वर्ड के पिछले वर्ड लिखोगे। ओके, जैसे अब मान लो क्वेस्ट है आपके पास, तो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं एक एक वर्ड तो क्या आएगा इसमें, माइनस वन करना हमने सभी को। ओके, तो अब क्यू से पहले क्या आता है, क्यू से पहले आएगा आपके पास पी। ओके, यहाँ पे आ गया पी, और यू से पहले आता है आपके पास टी, ई से पहले आएगा डी, और एस से पहले आएगा आपके पास आर, और टी से पहले आएगा आपके पास एस। तो इस तरह से आपके सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो अब आपने देख लिया होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपको एडिशन के अलग आए और सब्ट्रैक्शन के अलग आए, कभी कभी आपको जो क्वेश्चन मर्ज करके भी दिए जाते हैं। ओके, जैसे मान लो
क्वेस्ट है आपके पास, इसमें अगर आपके पास यहाँ पर एक माइनस किया है तो आगे आपके पास एक ऐड भी हो रहा हो सकता है, ओके। वो आपके पास एक माइनस, दो ऐड, तीन माइनस, चार ऐड, इस तरह से भी आ सकता है। उसके लिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना भी पड़ेगा और सबसे पहले जो सीरीज चली है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो दूसरा वर्ड दिया होगा वही सीरीज आपने उसमें यूज करके आंसर को निकालना है। अब आपके पास केस फोर है, वो है आपके पास रिवर्स ऑर्डर का, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर बहुत सिंपल है, इसमें आपके पास जो वर्ड दिया होता है उसी को आपने रिवर्स करके लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कैनेडा है, CANADA, कैनेडा, उसी को आपने रिवर्स कर दिया है ADANAC। तो आपके पास यहाँ पे अलार्म है तो हम अलार्म को किस तरह से लिखेंगे, उसके लास्ट वर्ड को ही रिपीट करके MRALA, अलार्म। और एक और है आपके पास फैट, तो फैट को कैसे लिखोगे आप, TAF, बस इसी वर्ड को रिवर्स करके आपने लिख लेना है। आपके पास केस फाइव है, वो है आपके पास पेयर फॉर्मेशन। इसमें हमें जो है एक वर्ड है स्ट्रेंथ, इसमें हमने क्या करना है, पेयर्स को ढूंढना है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस से, एस टी। हमें देखो स्टार्टिंग में एक पेयर मिल गया है जो कि है एस टी, नंबर वन। फिर देखेंगे एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, नहीं बनेगा, आर के बाद भी नहीं बनेगा, ई के बाद देखते हैं ई F G, E F and G, ये एक और बन गया, बट बीच में जो है F नहीं है, ओके। तो बीच में आपके पास कोई भी लेटर आ सकता है, बट अगर E के बाद G आ रहा है और बीच में वो लेटर नहीं है तो वो भी एक फॉर्म ही कहलाता है, पेयर ही कहलाता है, ओके। अब देखो E F G, अगर यहां पर H होता लिखा हुआ तो भी वो एक पेयर बनता, ओके। तो जी एच आई नहीं बनेगा, तो आपने क्या करना है, पेयर फॉर्म करने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ को ढूंढना है और राइट से लेफ्ट की तरफ को ढूंढना है, ओके। तो बट इस वर्ड में हमारे पास सिर्फ दो ही पेयर फॉर्म हुए हैं तो इसका आंसर है आपके पास टू। तो इसी तरह से आपने जो दूसरे क्वेश्चन है उनको ट्राई करते रहना है और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।